उजड़न दा चा नावल दी पहली किश्त। ए किश्त उथों शुरू हुंदी है जदों रोजाना दी तरह तख्त पोश ते ताश खेडन दी तैयारी हो रही हुंदी है। आओ नावल दी शुरुआत करिए उजड़न दा चा। आजा आजा ताया, तैनू ही उड़ीकी जाना कदों दा, कोई बौड़िया ही नहीं। नारायणे ने उच्ची सारी आवाज मारदे हुए बलवंत सिंह नूं कहा। बलवंत सिंह नूं आम करके सारे बंत ताया कहिंदे सन। आ गए भी आ गए, बंते ताए ने नारायणे नूं जवाब जा दिता। नारायणे ने तख्त पोश उपर बैठन लई जगह दिंदे हुए कहा कि तूं तां घरे टिकदा ही नहीं, ते अज किथे रहा सारा दिन, क्योंकि बंत आम करके सारा दिन तख्त पोश ते रहिंदा सी ते सिर्फ रोटी खाण जां चाह पीणी घरे जांदा हुंदा सी। बंत ने कहा पुत की कहिए, अज तां वेल ने जाण वाली गल होई पई आ। बंते ताए ने दुखी जा हो के कहा। उधरों दूरों आउंदे गुरमीत ने उच्ची सारी आवाज मारी, किवें आ बई, बैठे आ सुके ही, ताश तूश नहीं खेडन लगे। गुरमीत नूं आम करके लोग आड़ी भी कहिंदे सन, क्योंकि हर गल ते उहनूं आड़ी आए शब्द कहन दी आदत सी। आ गया आड़ी, मैं भी आउणा। जोगिंदर ने गुरमीत उर्फ आड़ी नूं संबोधन करदे हुए कहा। आ जा बाबा आ जा, तेरे बिना रौनक ही है नहीं। जोगिंदर नूं देख के नारायणे ने हासा जिहा करदे हुए कहा। चारे जने तख्त पोश ते जुड़ के बैठ गए ते ताश खेडन लग गए। हमेशा दी तरह अज फिर उही गल बनी। जदों ताश ने जोर जिहा फड़िया तां खेड गर्म हो गई। गर्म क्यों हो गई? क्योंकि जोगिंदर नूं हमेशा जित पसंद सी, पर अज उसकी हार होण करके वह गर्म जिहा हो गया ते ताश चला के मार के ते घर वल नूं भज गया। चलो बंद करो यार खेड नूं, गल्लां करदे हां, गुरमीत ने कहा। सुना ताया फिर भी, किवें वेल ने चाई होई आ? नारायणे ने गल की शुरुआत करते हुए फिर बंत की गल तो शुरू की। रहन दे पुत गल नूं, बंत ताए ने दुखी जा होके जवाब दिता। नहीं ताया, दस। इस तरह उदास देख के गुरमीत नूं भी लग्या भी पुछ के तो सही भी बंत नूं भी गल की होई। दसना की आ, पोतरे नूं बाहरले मुल्क दा चा चढ़िया पिया ते अज सारा टब्बर शहर गया सी लीड़े लैण। बंत ने खिज के जे कहा थोड़ा जिहा। सरूपा भी बैंक गया सी। सरूपा बंत दा मुंडा सी। बंत ने आपदे मुंडे दा नां लैके कहा भी सरूपा भी अज बैंक गया सी लिमिट बनाउण वास्ते, करजा लैण वास्ते। हुण जोगिंदर की हमदर्दी लैण वास्ते बंत ने कहा, वेख जोगिंदर सिंह, आपां तां उह वेला भी वेख्या जदों कणक वेखण नूं नहीं हुंदी सी, चौल बाजरा घा खा दे टाइम कढ लिया उदों, ते हुण तां कणक दे भड़ोले भरे पए आ। बंत ने जोगिंदर की हमदर्दी जी लैण लई उहदा भी जिक्र किया। पारा छोर जे डक्का तोड़ के दूरा नहीं करते ते साडा सब कुछ वेच वट के बाहर जाण नूं काली मचा रखी है इन्होंने, अग लगी पई है इन्होंने।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੇ ਨਰਾਇਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁੰਦਰਿਆ। ਸਮਾਪਤ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।